चलिए आज हम सीखने वाले हैं फ्रिज के अंदर कंप्रेसर लगाएं, यानी कि जब फ्रिज के पीछे कंप्रेसर खराब हो जाता है उसकी जगह पर दूसरा कंप्रेसर लगाते हैं तो हम कैसे लगाते हैं, किस लाइन को हम सेक्शन बनाते हैं, किस लाइन को डिस्चार्ज बनाते हैं, किस लाइन को चार्ज बनाते हैं। क्योंकि फ्रिज के पीछे जो दो लाइनें निकलती है, मतलब एक तरफ दो लाइनें निकलती है, एक कंडेंसर की लाइन निकलती है, एक हमारा यू ऑपरेटर की लाइन निकलती है। और कभी कभी क्या होता है इस साइड हमारा दो लाइनें निकलती है, कंडेंसर की साइड निकलती है और एक यू ऑपरेटर की। और कभी कभी होता है कि एक तरफ हमारा कंडेंसर निकलती है, एक तरफ हमारा यू ऑपरेटर निकलती है, तो हमको थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है कौन सा हम सेक्शन बनाए, कौन सा डिस्चार्ज बनाए, कौन सा चार्जिंग बनाए। क्योंकि कंप्रेसर भी एक प्रकार का मोटर होता है, जब मोटर की बात आती है तो हमारा सीलिंग फैन भी मोटर होता है, वाटर कूलर मोटर होता है, या फराटा फैन या वॉशिंग मशीन में भी एक प्रकार का मोटर होता है। लेकिन इन मोटरों में सब केवल इलेक्ट्रिकल पार्ट से चलता है, लेकिन जब फ्रिज की बात आती है, एसी की बात आती है, तो ये हमारा क्या होता है कि ये दो प्रकार से चलते हैं, यानी कि हमारा उसमें चलता है इलेक्ट्रिकल पार्ट और मैकेनिकल पार्ट से चलता है हमारा। उसमें क्या होता है मैकेनिकल पार्ट इलेक्ट्रिकल, यानी कि उसमें जो मैकेनिकल पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, जो तीन लाइनें होती है हमारा वो होता है हमारा मैकेनिकल पार्ट, और जो टर्मिनल पिन लगता है वो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो आज हम बताएंगे कौन सा इलेक्ट्रिकल पार्ट है, कौन सा मैकेनिकल पार्ट है, किसको हम सेक्शन बनाते हैं, किसको हम चार्जिंग बनाते हैं, किसको हम उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट में कौन सा कॉमन होगा, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग होगा हमारा। तो आज हम बताने वाले आपसे एक बोर्ड के माध्यम से बताने वाले कि कैसे हम जब भी कंप्रेसर लगाने जाते हैं, किसी फ्रिज के अंदर लगाने जाते हैं, तो किस लाइन को हम डिस्चार्ज बनाते हैं, किस लाइन को सेक्शन बनाते हैं और किस लाइन को हम चार्जिंग बनाते हैं। देखिए मेरे पास बोर्ड के माध्यम से बताया जाए, ये मेरे पास एक बोर्ड के माध्यम से आपको बताया जाता है कि ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर बना दिया गया कंप्रेसर। इसमें हर देखिए कोई भी कंप्रेसर होगा, फ्रिज का कंप्रेसर, उसमें हार्मेटिक कंप्रेसर लगा रहता है और उसमें तीन पाइपें लाइन निकलती है। उसमें क्या होती है तीन पाइपें लाइन निकलती है, एक देखिए उसमें डिस्चार्ज लाइन होती है, एक पाइप लाइन डिस्चार्ज, एक होती है सक्शन लाइन और एक होती है हमारा चार्जिंग लाइन। यानी कि हमारा तीन पाइपें लाइन होती है, उसमें से एक डिस्चार्ज होता है। किसी भी कंप्रेसर के तीन पाइपों में से एक पाइप पतली होगी और दो पाइप का सेम होगा, यानी कि उसमें से दो पाइप सेम होती है, एक पाइप पतली होती है। जो पतली वाली पाइप होती है वो हमारा डिस्चार्ज लाइन होती है, जो दोनों सेम होती है हमारा सक्शन और चार्जिंग होता है। तो कभी कभी सक्शन हमारा इस साइड होता है, कभी कभी इस साइड होता है, यानी कि किसी एक को सक्शन बनाते हैं, किसी एक को चार्जिंग बना सकते हैं। तो आज हम बताने वाले किस लाइन को हम सक्शन बनाते हैं, किस लाइन को हम चार्जिंग बनाते हैं। देखिए कभी कभी होता है क्या कि इसकी साइड, ये जो पाइप की साइज भी होती है, एक हमारा कितना होना चाहिए, देखिए जो पतली वाली लाइन, जो पतली वाली लाइन होगी, जो पतली होगी उसकी साइज क्या होती है 316, यानी कि वो पतली होती है 316 की होगी। और जो दोनों की सेम साइज, यानी कि दोनों पाइप की सेम साइज होगी, उसका क्या होता है 1/4 की होगी, 1/4 इधर भी होगा, 1/4 इधर, मतलब 1/4 का दो साइज होगी, एक हमारा 316 की, यानी कि जो पतली होती है हमारा डिस्चार्ज होती है, जो दोनों बराबर सेम होता है 1/4 का होता है। आज हम बताने वाले आपको है कि डिस्चार्ज किसको बनाते हैं, सेक्शन किसको बनाते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि फ्रिज के पीछे दो लाइन निकलती है, यानी कि एक कंडेंसर वाली लाइन निकलती है और एक हमारा यू ऑपरेटर लाइन निकलती है। तो कंडेंसर वाली लाइन जब निकलेगी तो कहाँ लगाएंगे हम, जो पतली वाली लाइन है, जो डिस्चार्ज लाइन है, यानी कि 360 वाली साइज में लगाते हैं, मतलब हम इसमें इसको जोड़ देते हैं। और जो मोटी वाली साइज आती है, यानी कि जो यू ऑपरेटर के अंदर से आती है साइज हमारी, जो यू ऑपरेटर के अंदर आती है वो कहाँ लगाएंगे, कभी अगर इस साइड है, अगर पाइप इस साइड दो साइड है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बनाते हैं, मतलब इसको हम सेक्शन बना देंगे और इसको हम चार्जिंग बनाएंगे, इस तरफ हम चार्जिंग बना देंगे। और कभी कभी होता क्या है कि हमारा ये जो पाइप हमारा इस तरफ न निकल के इस साइड निकलती है, हमारा इस साइड निकलती है, कंडेंसर के साइड हमारा जो इधर निकल रही है, लेकिन यू ऑपरेटर की साइड इधर आ रही है, जो यू ऑपरेटर जो फ्रिज के अंदर से आती है साइज हमारी पीछे की तरफ, वो इस साइड से आ रही है, जिसको बोलते हैं सक्शन लाइन। वो कैसे अब लगाना, उसको क्या करेंगे आप, इस साइड लगा देंगे, इस तरफ लगा देंगे, और इसको हम क्या करेंगे चार्जिंग बना देंगे, मतलब हम इसको भी चार्जिंग बना सकते हैं और इसको भी चार्ज, यानी कि दोनों पाइप सेम होता है, दोनों काम सेम होता है, हम सेक्शन को भी चार्जिंग बना सकते हैं और चार्जिंग को भी सेक्शन बना सकते हैं। तो ये हमारा कभी भी हम पाइप लगाने जाए, कभी भी हम कंप्रेसर लगाने जाए, तो आपको किसी भी साइड को, किसी भी तरफ को हम सेक्शन बना सकते हैं, किसी भी तरफ को हम चार्जिंग बना सकते हैं। अब आती है आपका ये टर्मिनल थी, क्योंकि कंप्रेसर में क्या होता है टर्मिनल लगा होता है, टर्मिनल जिसको इलेक्ट्रिकल पार्ट बोलते हैं, जिसमें हम करंट देते हैं उसको टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल में तीन पिनें होती हैं, इसमें एक पिन, दो पिन, तीन पिनें होती हैं, उसमें से एक होता है कॉमन, एक होता है रनिंग, एक होता है स्टार्टिंग। और कभी कभी क्या होता है कि कॉमन ऊपर होता है, जो सेंटर में रहेगा हमारा सीधा रहेगा, वो हमारा रनिंग स्टार्टिंग रहेगा, जो हमारा अलग रहेगा वो कम रहेगा। और कभी कभी कंप्रेसर में आता क्या, देखिए कंप्रेसर यहाँ मेरे पास एक और कंप्रेसर, इसका ऐसा आता है, कभी कभी होता है स्टार्टिंग और रनिंग और कॉमन, मतलब आपका जो सेंटर वाला पिन है ऊपर हो जाएगा, रनिंग स्टार्टिंग ऊपर जाएगा, कम नीचे, यानी कि कंप्रेसर कभी कभी रनिंग स्टार्टिंग ऊपर होता है, कभी 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 नीचे होता है, ये आपका स्टार्टिंग और रनिंग और कॉमन ऐसे हो जाता है, मतलब कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो कभी भी हम ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर हमको OLP लगाना है या रिले लगाना है, किस संडे हमको OLP लगाना है तो कॉमन वाली, इधर ऊपर कॉमन है तो ऊपर कॉमन है, नीचे कॉमन है तो इस कॉमन वाले देंगे हम, और आपका रिले लगाना है तो रिले ऊपर देना है तो हम यहाँ दे देंगे, यहाँ स्टार्टिंग में, नीचे लगाना है तो इस साइड में दे देंगे,
मतलब हम कभी भी किसी भी टर्मिनल में लगाना हो, ओएलपी रिले लगाना हो, तो हम कॉमन वाले जो सेंटर में बच्चा सेंटर वाला बचा उससे जो अलग हमारा उसको हम कॉमन बनाते हैं और जो नीचे वाला सेंटर बनाते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हो चाहे कॉमन नीचे हो, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा हमारा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है, तो क्या करते हैं कि हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर का होना जरूरी है। बिना डिजिटल मल्टीमीटर से हम इसका ना रनिंग चेक कर पाएंगे, ना स्टार्टिंग चेक पाएंगे, ना कॉमन चेक, क्योंकि इसका रहना जरूरी है। इसके माध्यम से हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक बता सकते हैं कि कौन सा इसमें कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। देखिए कभी भी चेक करने के लिए करते क्या हम लोग, इसमें क्या करते हैं कि ये डिजिटल मल्टीमीटर लेते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर से इसमें जो ऑफ लिखा है, एक तरफ ऑफ लिखा, ऑफ होने बंद हो जाता है, जब भी हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, जब चालू करते हैं तभी ऑन हो जाता है। तो यहां से आप अगर चालू करेंगे, चालू पे कहां लेके जाएंगे, इसमें सारे फंक्शन लिखा है, जिसमें लिखा है आपका स्पीकर, जहां स्पीकर की आवाज बजती हो, जहां स्पीकर लिखा होगा, जहां स्पीकर की आपका बना होगा, वहीं पर ले जाते हैं हम। देखिए घुमा के यहां से स्पीकर ले गए, स्पीकर ले गए, अब इसको टच करेंगे, टच करेंगे तो आवाज आती है। अब इसे देखिए टच करा, एक आवाज सी आ रही है, एक आवाज सी आ रही है इसमें। अब इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसका चेक करेंगे कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन। तो कभी भी चाहे हमारा कॉमन नीचे हो, चाहे कॉमन ऊपर हो, चाहे हमारा रजिस्टर किसी भी साइड हो, हमको चेक करना है तो क्या करेंगे। अब देखिए इसको क्या करें, क्यों मिटा दे रहा हूं, अब इसको मिटा के अब इसको हम चेक करें कौन सा हमारा कॉमन है, कौन सा हमारा रनिंग है, कौन सा हमारा स्टार्टिंग है, हमको नहीं पता। इसमें हम इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसको भी मिटा दे रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं आपको, हम बना दिए इसको। देखिए ये मेरा चार, अब ये हमारा एक पिन इधर हो गया, एक पिन इधर, एक पिन, मतलब ये आपका तीन पिन हो गया, हमारे पास तीन पिन हो गए। तीनों पिन में हमको नहीं पता कौन सा रनिंग है, कौन सा है, चाहे आपका पिन ऊपर ऐसे सेंटर वाला पिन हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे किसी भी तरह का पिन हो, इसी से आपको चेक करना कैसे होगा। देखिए पहले करना क्या, ये आपको क्या करना, एक यहाँ टच करना, मतलब यहाँ टच कराना है, यहाँ टच कराना है, टच करके यहाँ चेक करना है, फिर यहाँ चेक करना, अब इसकी संख्या चेक करना है कितनी इसकी संख्या आ रही है, फिर आपको यहाँ टच करना है, यहाँ टच करना है, यहाँ टच करना, अब इसकी संख्या भी आपको नोट करना है कितनी संख्या आ रही है, फिर यहाँ चेक करना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना, मतलब तीनों पिनों को हम बारी बारी चेक करके उसकी संख्या को नोट करते हैं कितनी संख्या हो रही है। लेकिन सबसे जिसकी ज़्यादा संख्या आती है वही हमारा होता है स्टार्टिंग, और उससे जो कम संख्या आती है वो होता है हमारा रनिंग, और सबसे जो कम संख्या आती है उसके क्या होता है कॉमन। तो आज हम बताने वाले हैं कि किसी के क्या सकती है। देखिए कभी भी हम सबसे पहले हम इसको यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, जब टच करते हैं तो इसकी संख्या कितनी आती है, 12, मान लीजिए 12, एक संख्या रख लीजिए 12, 12 संख्या, मतलब ये 12 हो गया, मतलब यहाँ से इसकी संख्या क्या 12, फिर यहाँ इसको टच की दिए, इसको टच किया यहाँ से, इसकी संख्या क्या आ गई, ये आ गई 20, मान 20 संख्या आ गई, 20, मतलब यहाँ टच किए 12 आ गया, यहाँ संख्या 20 आ गए। अब ये हो गया, अब यहाँ टच करना और यहाँ टच कराना, मतलब यहाँ टच कराना, अब यहाँ, मतलब दोनों पिन को टच कराना, अब तो इसकी संख्या भी है, इसकी संख्या भी 12 हो गई, मतलब ये भी हम टच किए यहाँ, ये भी संख्या 12 आ गई, फिर यहाँ इसको टच कर, इसकी संख्या कितनी आ गई हमारी, मान लीजिए 32 आ गई, 32 आ गई संख्या। और फिर हम यहाँ टच करते हैं, इसको टच कराते हैं, इसकी संख्या होती है ये भी 20 आ गई, मतलब यहाँ से अब इसको टच कराएंगे, अब यहाँ लगा के इसको टच करेंगे, इसको टच करेंगे, तो यहाँ आ गया आपका ये भी 20 आ गया, इसकी संख्या 20, अब यहाँ इसको टच कराते हैं, इसकी संख्या आ गया 32, मतलब आपका, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम यहाँ टच कराएं तो 12 आ गई, फिर यहाँ से यहाँ टच कराएं तो 20 आ गई, फिर हम इसको संख्या को यहाँ टच कराएं तो भी 12 हो गया, फिर यहाँ टच कराएं तो 32 आ गया, फिर अब इसको टच करेंगे, इसको से यहाँ टच कराएंगे तो 20 आ गया, फिर इसको टच कराएं तो 32 आ गया, मतलब आपका ये आपका 12, 20, 32 संख्या आ गई। अब आपको 32 संख्या आ गई, उसमें से निकालना है कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है, तो करना क्या है, अब 12, 12, 20 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 12, 20 हो गया आपका 32, मतलब ये आपका 32 हो गया, फिर आपको इस संख्या को जोड़ना है, मतलब 20, 32 कितना हो गया आपका, ये हो गया 52, 20, 32, 52, मतलब इसकी संख्या होगी 52, ये आपका 52, फिर आपको इसको संख्या जोड़ देना है, 12, 32 हो गया आपका 30, मतलब ये हो गया 42, मतलब आपकी सबसे 32 ये होगी, 32 संख्या होगी, ये 52 होगी और ये 42 होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसकी संख्या आ रही है, मतलब कि यानी कि 52 वाली संख्या सबसे ज़्यादा आ रही है, यानी कि ये वाला हमारा, ये जो हमारा पिन है स्टार्टिंग पिन है, और जो ये वाला ये आ गया 42, मतलब इससे जो कम हमारा ये हो गया हमारा ये रनिंग, और इससे कम 32, इससे कम ये हमारा कॉमन, आपका हो गया निकल गया स्टार्टिंग रनिंग कॉमन, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पिन, ये हो गया हमारा रनिंग पिन, ये हो गया हमारा कॉमन वाला पिन, मतलब आपको ऐसे ही पकड़ के आपको बताना है कि कौन सा इसमें रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है, यानी कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा आती है, जिसका मान सबसे अधिक आता है वो होता हमारा स्टार्टिंग, और उससे जो कम आती है वो रहेगा हमारा रनिंग, और उससे जो कम रहेगी वो रहेगा हमारा कॉमन। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को चेक करने के लिए इसके माध्यम से हम चेक करते हैं, चेक करके बताते हैं कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। अगले वीडियो में इसका हम फुल प्रैक्टिकली करके आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा।
ठीक है, कि कैसा इसका कॉमन चेक होता है, कैसे यूनिक चेक होता है, कैसे स्टार्टिंग की जगह कितना किसका मान आ रहा, किसका किसका कम आ रहा, किसका अधिक आ रहा, किसका ज़्यादा आ रहा, सब वीडियो बना के आपको अगले बार जानकारी दी जाएगी। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।